देवताओं को, पितरों को, मतलब किसी ना किसी को भोजन दान करने का एक कोई ना कोई माध्यम बनाया होता है। अगर देवताओं को भोजन देना हो तो यज्ञ करते हैं, और यदि हम पितरों को भोजन देना है तो उसके लिए ये जो पितृ पक्ष यानी श्राद्ध पक्ष होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। 16 श्राद्ध मनाए जाते हैं और इन दिनों में जो है अपने पितरों के निमित्त जो है भोजन दिया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि इसका जो है आरंभ शुरुआत जो है किसने की थी? वैसे तो आदि काल से, महाभारत काल से जो है श्राद्ध मनाए जाते हैं, और ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो महर्षि निमि थे उन्होंने सबसे पहले अत्रि मुनि को जो है इसका उपदेश दिया था, श्राद्ध के बारे में बताया था, और उन्होंने ही सबसे पहले, महर्षि निमि ने सबसे पहले जो है श्राद्ध मनाए थे, और उसके बाद जो फिर और ऋषि जो है श्राद्ध मनाने लगे थे। और महर्षि जो निमि थे वो जैनियों के 22वें तीर्थकर थे। तो हम लोग भी जो है इन दिनों में जो है अपने पितरों के निमित्त बहुत कुछ करते हैं, भोग लगाते हैं, और इन दिनों में जो है गाय को, कुत्ते को, चींटियों को, कौवे को भोजन दिया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? भाई आप सभी को श्राद्ध पक्षों की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम लोग जो हैं कैसे अपने श्राद्ध की वो करते हैं, इस दिन जो है पात्री दी जाती है, और मतलब जो अपने पितर हैं उनको घर में बुलाया जाता है। और आज हमारे विद्यालय में एक विशेष कार्यक्रम है, और जिसकी हम लोग कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे ना क्विज़ कंपटीशन की, तो आज है वही। और ये देखिए हमारे मुख्य अतिथि जी भी आ चुके हैं, चलिए देखते हैं। तो भैया फूल मेरे को भी दे दो, ये लो हार, हार ले लो, हार डाल देंगे। तो हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं वो हमारे यहाँ के विधायक एमएलए साहब श्री दिलीप सिंह ठाकुर जी हैं, और जो कि मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे विद्यालय में आए, और साथ में हमारे बहुत सारे रिटायर्ड प्रधानाचार्य, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता प्रधानाचार्य, ऐसे महान महान शख्सियत जो है इस सम्मेलन में जो है भाग लेने के लिए आए हैं, हमारी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं। और फिर मुख्य अतिथि का सम्मान व्यक्त करने के बाद जो उन्होंने थोड़ा सा उद्बोध जो है बच्चों को उनका मार्गदर्शन करने के लिए तो सुनते हैं। आदर क्यों क्या दिने पवन जी, आदर क्यों क्या डॉक्टर एच एस राणा जी जो डिप्टी डायरेक्टर रिटायर है, जिन्होंने अगर खेल क्षेत्र में आते हैं तो हमारे विद्या मंदिर के बच्चे आगे। तो बस इस तरह का थोड़ी देर जो है उद्घाटन सत्र रहा, और उसके बाद जो है अब चलते हैं प्रश्न मंच की। और हमारे विद्यालय में जो है आज विज्ञान का, गणित का, साथ में संस्कृत का, कंप्यूटर का और संस्कृति बोध का जो है प्रश्न मंच है, साथ में मॉडल हैं, बहुत सारी मतलब अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं। तो चलिए अब आपको और चीज़ें तो आपको शायद पता ही हैं कि विज्ञान का कैसे रहता है, गणित का कैसे रहता है, पर एक जो हमारा विशेष अलग सा विषय रहता है वो रहता है सांस्कृतिक बोध परियोजना का, तो जिसमें हमारी पूरी भारतीय संस्कृति का ज्ञान जो है बच्चों को मिलता है। तो चलिए देखते हैं वही प्रश्न मंच। केरल प्रांत में नव वर्ष का प्रारंभ किस पर्व से होता है? नवरात्रि, ओणम, बिहु, वसंत। ना
खानी बनाए, इसलिए आज देखना तो मैंने यार। चल इनके लिए जो प्रश्न है वो है सिसोदिया वंश के, सॉरी सिसोदिया वंश में जन्म लेने वाले वीर का नाम क्या है। पहला है केशव, दूसरा है महाराणा प्रताप, तीसरा है भरत और चौथा है अजीत सिंह। महाराणा प्रताप। ओह वेरी गुड, महाराणा प्रताप। तो इस तरह का रहता है हमारी संस्कृति बोध का प्रश्न मंच। और एक्चुअली मेरी यहाँ पे ड्यूटी लगी थी तो इसलिए मैं जो और जगह से इसको शूट नहीं कर पाई, और अपनी ही कक्षा का जो प्रश्न मंच था वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। हमारे संकुल में 7 विद्यालय थे तो 7 विद्यालय के बच्चे जो हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। बट अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 टीमें ही बैठी हैं। शिशु वर्ग है ये, छोटी कक्षा यानी कि 4th और 5th के बच्चे हैं जिनका अभी ये प्रश्न मंच आप लोग देख रहे थे। तो इस तरीके जो है हमारा प्रश्न मंच रहता है, कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड उसके बाद जो है फिर बच्चों के लिए भोजन का आयोजन भी रहता है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी बच्चे जो हैं प्रतियोगिता के बाद भोजन कर रहे थे, और उसके बाद फिर हम लोगों ने भी यहाँ पर जो है भोजन किया, लंच किया, और पूरी जो मंडियाली धाम होती है भी वो यहाँ पर ये देखिए, बच्चे भी बैठे हैं हमारे खाना खाने के लिए। ये देखो आप कहाँ कर रहे हैं, ये देखिए सभी का सब चीज़ें कर रहे थे। और इस तरह बच्चों में एक समर्पण की भावना, सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, और ये हमारा भोजन है आप देख ही सकते हैं। खाने पीने के बाद फिर आती है बारी अंत में पुरस्कारों की। भाई बच्चों ने इतना अच्छा काम किया है तो अंत में उनके लिए पुरस्कार बहुत ज़रूरी है, और पुरस्कार बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। जिन्हें अच्छा काम किया है, जो 1st, 2nd, 3rd आए हैं वो तो बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु जो पीछे रह गए ना वो उनको देखकर उनके मन में एक इच्छा जागृत होती है कि अगले वर्ष जो है हम लोग भी इसी तरह से जो है इनाम लेंगे, 1st, 2nd, 3rd आएंगे, तो ये भावना उनके अंदर उत्पन्न होती है। तो ये कार्यक्रम हमारा रहा, हमारे जो मुख्य अतिथि थे, हमारे जो विधायक साहब थे वो तो जा चुके थे, पर जो और थे उन्होंने ही फिर जो है बच्चों को पुरस्कार वितरित किए। और जब हम पुरस्कार वितरित कर रहे थे तो इतने ज़ोरों से बारिश लगी कि बहुत ज़्यादा भागम भाग जो है ना भगदड़ बच्चों में मच गई थी। देखो यहाँ पर आज मेरे विद्यालय की है, ऐसे मोहिनी विद्यालय की है, और आज हमारे विद्यालय में आई हूँ, और ये जो है ना दोनों मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, है ना। कैसे लगते हैं आपको मैम्स के ब्लॉग? आप बहुत अच्छे लगते हैं, क्या अच्छा लगता है उन्हें? अच्छा चलो भाई, इनको मेरी बातें करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये थी मेरी 2 छोटी नन्ही सब्सक्राइबर जो कि मेरे ब्लॉग्स देखती थी और बोला मैम हम ना आपके ब्लॉग्स देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत खुशी मिलती है जब इस तरह के मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे मिलते हैं और वो बोलते हैं कि हम आपके ब्लॉग्स देखते हैं और अच्छे लगते हैं। तो नेचुरली अपने काम की कोई तारीफ करे तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम चलते हैं घर की तरफ और आपसे मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।